हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको विंडोज फायरवॉल को ऑफ या ऑन करना है, वो कैसे करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किसी भी विंडोज़ में कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो आपको यहाँ पर हर टाइप का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर आपका फायरवॉल ऑफ है या ऑन है, उसको आपको कैसे ठीक करना है। यहाँ पर आपको जो ये स्टार्ट बटन है, राइट क्लिक करना है और रन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंट्रोल टाइप करना है आपको, CONTROL, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आइकन अगर आपके पास ऐसे नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसा ये आइकन आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आपका जो टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये फायरवॉल आपका ऑन है, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे डिसेबल। डिसेबल करने के लिए ये टर्न ऑफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ये नीचे वाला भी, ये दोनों आपको चेक कर देने हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो फायरवॉल ऑफ हो जाएगा। अगर इसको आपको वापस से ऑन करना है तो आपको वही वाला ऑप्शन वापस से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये वापस से इसको चेक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो फायरवॉल है वो वापस से ऑन हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको फायरवॉल कैसे ऑन ऑफ करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।